ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में करेंट अफेयर टॉपिक्स से रिलेटेड संबंधित जो है एक शॉर्ट एंड स्वीट समरी देखेंगे, जिसमें कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, ये जो लॉन्च किया गया था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जो है प्रधानमंत्री के द्वारा, उनकी जो है अप्राइजल रिपोर्ट आई है, मतलब उसकी प्रशंसा की गई है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है जी, तो यूएनडीपी का एक रिपोर्ट आया है, यूएन जो है यूनाइटेड नेशन का एक विंग है, जिसने एक रिपोर्ट में इस प्रोग्राम का जो है प्रशंसा किया है। तो आइए अब इसके बारे में अधिक समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट अप्राइजल, यह एक कह सकते हैं स्वतंत्र अप्राइजल है, स्वतंत्र प्रशंसा है, जो है प्रशंसनीय रिपोर्ट कह सकते हैं कि रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूएनडीपी। ठीक है जी, तो इंडिया हैज लाउडेड द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स एडीपी एज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल। देखिए, एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में जो है अप्लाउड किया गया, प्रशंसा किया गया। किसके द्वारा प्रशंसा किया गया? तो यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के तहत की जो इंडिया ने लॉन्च किया था एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, उसकी यहाँ प्रशंसा की गई है। कहा गया है यह एक सक्सेसफुल मॉडल है ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट, एक लोकल एरिया डेवलपमेंट को लेकर, एंड दैट शुड सर्व एज अ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सेवरल अदर कंट्रीज वेयर रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डेवलपमेंट स्टेटस प्रसिस्ट फॉर मेनी रीजन्स। देखिए, जहां जहां क्षेत्रीय असमानता है विकास को लेकर, देखिए आप सिंपल सा एक उदाहरण ले लें, गुजरात में इंडस्ट्री बहुत लगे लेकिन बिहार में इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है जी, इसी प्रकार जो है अन्य जितने भी स्टेट्स हैं उसमें कहाँ कहाँ जो है रीजनल डिफरेंसेस है विकास को लेकर। कोई स्टेट बहुत अधिक विकास कर गया, जैसे कुछ स्टेट्स जो हैं भारत के बहुत अधिक डेवलप्ड हैं, ठीक है जी, जैसे महाराष्ट्र वगैरह हो गया, वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, वो इतने डेवलप्ड नहीं है। तो रीजनल जो डिस्पैरिटीज हैं वह लोकल लेवल पर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो बहुत अधिक हैं। तो इसको लेकर जो है यूएनडीपी के द्वारा ये कहा गया कि यह एक सक्सेसफुल मॉडल है उस देशों के लिए या उस जगह के लिए जहाँ की क्षेत्रीय असमानता बहुत अधिक है विकास में, और वह जो है एक बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाकर विकास के मॉडल को अपनाया जा सकता है। ठीक है जी, अब इसके आगे बढ़ते हैं। कंसर्टेड इफॉर्ट मेड अंडर द एडीपी, जो एडीपी के द्वारा, मतलब एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के द्वारा जो इफॉर्ट्स लिए गए हैं, मतलब जो कार्य किए गए हैं, प्रीवियसली नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, जो कि एक समय में बहुत ही नेग्लेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था, मतलब एक बैकवार्ड डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ प्रगति के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वहाँ विकास को लेकर कोई कार्य नहीं किए जा रहे थे, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को, उन तमाम जो है कह सकते हैं जिले को एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर देखा गया और उसमें कार्य किए गए उनके विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, इन तमाम चीज़ों के लेकर जो है वहाँ कार्य किए गए और वहाँ असीम जो है बहुत अधिक प्रगति देखी गई। ठीक है जी, इंक्लूडिंग दोज इन द रिमोट लोकेशन एंड दोज अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। देखिए, कुछ जो ट्राइबल क्षेत्र हैं जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार में कुछ ट्राइबल्स वगैरह जो एरिया हैं, या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहाँ जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का बहुत ही प्रभाव है। ठीक है जी, उन तमाम क्षेत्रों में जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत बहुत ही विकास के कार्य किए गए हैं और इसकी प्रशंसा यूएनडीपी के द्वारा किया जा रहा है। हैव एक्सपीरियंस्ड मोर ग्रोथ, और बहुत ही अधिक जो है प्रगति किया है एंड डेवलपमेंट विकास किया है इन लास्ट थ्री ईयर, विगत तीन सालों में, एंड इवन बिफोर द नॉट विथ स्टैंडिंग सेम स्पीड बम्स इन इट्स जर्नी, द एडीपी हैज बीन इमेंसली सक्सेसफुल इन प्रोपेलिंग डेवलपमेंट अमंग द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। और एडीपी जो प्रोग्राम है बहुत इमेंसली जो है एक सक्सेसफुल, एक कह सकते हैं सफल जो है प्रोग्राम रहा प्रोपेलिंग डेवलपमेंट, प्रोपेलिंग मतलब विकास की रफ्तार को और गति प्रदान करना, प्रोपेल करना उसे। ठीक है जी, ताकि उन तमाम जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, जो पिछड़ा जिला था, उनमें विकास के कार्यों को और प्रगति दिया जा सके। विगत तीन वर्षों में बहुत ही तेज गति से कार्य हुए हैं। इट कैप्चर्स द प्रोग्रेस ऑफ द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स एंड मेक्स रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। और ये रिपोर्ट में जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स को जो है कैप्चर किया गया, उसकी प्रशंसा की गई, इसके साथ साथ कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, मतलब कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। तो यूएनडीपी इज एनालाइज अक्रॉस फाइव सेक्टर। देखिए, यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है वो पांच प्रमुख जो है सेक्टर्स, क्षेत्र को लेकर विश्लेषण किया है, एनालाइज किया है। वह है हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस, मतलब स्वास्थ्य को लेकर और न्यूट्रिशंस को लेकर। ठीक है जी, पोषक तत्वों को लेकर। फिर एजुकेशन, शिक्षा को लेकर, कि उस डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा के क्षेत्र में
कितने विकास हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने विकास हुए हैं, कृषि और वाटर रिसोर्सेज को लेकर क्या क्या कार्य किए गए हैं, मतलब कृषि के डेवलपमेंट में क्या क्या कार्य किए गए हैं और जल संरक्षण को लेकर क्या क्या कार्य किए गए हैं। फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो मूलभूत आधारभूत संरचना है उसको लेकर जैसे क्या क्या कार्य किए गए हैं उन तमाम पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में और या फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है जी। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जो है उनके स्किल को डेवलप करने के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं। और फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब जैसे किसी का खाता खोलना, एक समय था कि 70 साल होने के बाद एक व्यक्ति का खाता नहीं था बैंक में, या मोदी जी के आने के बाद सबको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी पेइंग एनी मनी हर व्यक्ति का खाता खोलना, यह क्या है, क्या आप इसे बैंक से लिंक कर रहे हैं, इसका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों की प्रगति जो है देखने को मिलती है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, और ये 5 इंडिकेटर बताए गए हैं जिसके तहत जो है UNDP ने इन तमाम सेक्टरों का जो है विश्लेषण किया है और पाया है कि इन तमाम क्षेत्रों में जो है वृद्धि और विकास दर्ज की गई है। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट में क्या कहा गया है। वाइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड टू सर्टेन एक्सटेंट एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज हैव रजिस्टर्ड मैसिव इंप्रूवमेंट, कहा गया है कि इन तमाम सेक्टर्स में, चाहे न्यूट्रिशन का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, वाटर रिसोर्सेज का क्षेत्र, जल जीवन मिशन के तहत कैसे टैप कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बहुत ही मैसिव इंप्रूवमेंट किया गया है, बहुत ही तीव्र गति से इसका जो है वृद्धि विकास किया गया। एंड अदर इंडिकेटर्स डिस्पाइट मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स ऑफ स्कोप फॉर द स्ट्रेंथनिंग, जो है बहुत सारे जो है डिस्पाइट मेकिंग सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स, बहुत सारे स्ट्राइड्स के कारण भी, चैलेंजेस के कारण भी जो है हम कह सकते हैं पथ पर चैलेंजेस चुनौतियाँ तो आती हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत ही मजबूत तरीके से फाइट करके इन तमाम क्षेत्रों में जो है विकास और वृद्धि दर्ज की गई है। अक्रॉस द सेक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन द रिपोर्ट फाउंड 9.6 मोर होम डिलीवरीज। देखिए इस रिपोर्ट में बताया गया हेल्थ और सेक्टर के बारे में, न्यूट्रिशंस के बारे में तो बता ही दिए, 9.6% जो है होम डिलीवरी हुआ है, ठीक है जी। जैसे स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक है जी, जो बच्चे लोग जन्म लेते हैं, ठीक है जी। फिर 5.8 है मोर प्रेग्नेंट वुमेन वर सर्व एनेमिया ट्रीटेड, 5.8 जो है अधिक वोमेन। देखिए अब ये कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है, एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट है जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है उसके साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, कि कोई भी एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट है उससे अगर कंपेयर किया जाता है तो 9.6 जो है कह सकते हैं कि होम डिलीवरी वगैरह हुआ है। इसके साथ साथ जो है 5.8% जो है एनीमिया, जितने वुमेन जो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह रहती हैं, गर्भवती महिला को अगर एनीमिया है उसको ट्रीट किया गया है, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका कह सकते हैं वृद्धि दर्ज किया गया है, आप इसे आंक सकते हैं। फिर 4.8% 4.8% मोर चिल्ड्रेन डायग्नोस्ड विद डायरिया, और जितने भी डायरिया वगैरह से पीड़ित होते थे, बच्चे कुपोषण के शिकार होते थे, इन तमाम बच्चों का जो है 4.8% जो है अधिक जो है उनका डायग्नोस्ट किया गया, उनका इलाज किया गया। एंड 4.5% 4.5% मोर प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर फॉर प्रीनेटल केयर विद इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, वो उन जिलों के साथ कंपेयर किया जा रहा है जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक सामान्य डिस्ट्रिक्ट है, दूसरा है कि ADP है, मतलब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ADP प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो परफॉर्मेंस है वो ADP डिस्ट्रिक्ट्स का अधिक है एज़ कम्पेयर टू जो है कि एक सामान्य सा डिस्ट्रिक्ट है जिसे उनका डेवलपमेंट हो रहा था। कहने का मतलब है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे अधिक फोकस दिया जा रहा है। तो 406 and 847 मतलब 847 मोर इनरोलमेंट एंड 1580 मोर अकाउंट्स ओपन पर 1 लाख पॉपुलेशन अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसके तहत जो खाता खोले गए हैं वो बहुत ही अधिक हैं एज़ कम्पेयर टू सामान्य डिस्ट्रिक्ट, मतलब इसमें यहाँ देखिए आंकड़े के साथ बताया गया। फिर प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है जी। इन तमाम चीज़ों के बारे में, मतलब पहला जो है 406 है किसके लिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, 847 अधिक खोले गए हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और 1580 खोले गए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ये तमाम जो चीज़ खाते जो है खोले गए हैं
सामान्य डिस्ट्रिक्ट से इतने अधिक खाते खोले गए हैं, किस में? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, जितने भी महत्वाकांक्षी जो जिले हैं उनके अंतर्गत, और उनमें इतना अधिक कार्य हुआ है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। UNDP also recommends the मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ये रिकमेंडेशन है कि आप मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाएं बिजपुर और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, विच हैड रिड्यूस्ड मलेरिया इंसिडेंसेस इन द डिस्ट्रिक्ट बाय 71% एंड 54%। देखिए, बीजापुर एंड दंतेवाड़ा में जो मलेरिया को घटाने का, उसे इराडिकेट करने का जो अभियान चला इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तहत, वह जो है 71% और 54%, मतलब बीजापुर में 71 और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 54% की, इसमें कह सकते हैं कि रिड्यूस्ड हुआ है मलेरिया, मतलब वहाँ मलेरिया का जो इंसिडेंस है वो 71% और 54% घटा है। ठीक है जी। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस फाउंड इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और यह एक महत्वाकांक्षी जो जिले की अवधारणा थी, जो प्रोग्राम था ADP, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम थी, उसकी सफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। आगे, द रिपोर्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द यूनिक कोलाबरेटिव नेचर ऑफ द प्रोग्राम टू ब्रिंग ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट पार्टनर्स सिटीजन्स टुगेदर टू अचीव गोल एंड टारगेट। देखिए, इसमें कोलाबरेटिव नेचर बताया गया कि किस प्रकार से जो है सरकार तो काम कर ही रही है, स्टेट गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, इसके साथ जो लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायत लेवल के हैं, जो वार्ड मेंबर्स हैं, इन तमाम लोगों के साथ साथ जितने भी सिटीजन्स वगैरह हैं, जो आम नागरिक हैं, जो कम्युनिटी पीपल्स हैं, उन तमाम लोगों की सहभागिता के साथ इन तमाम लक्ष्यों को जो है अचीव किया जा रहा है। तो PM हैज कॉन्स्टेंटली मोटिवेटेड एंड इंथर्स्टेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, प्रधानमंत्री के द्वारा कलेक्टर्स को हमेशा जो है उत्साह उनका बढ़ाया जाता है, कलेक्टर्स का प्रधानमंत्री के द्वारा, टू डिलीवर द बेस्ट एट द फील्ड लेवल, जो कि फील्ड लेवल पर, मतलब जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो है अच्छा से अच्छा प्रदर्शन हो सके, अच्छा से अच्छा जो है डिलीवरी मैकेनिज्म को डेवलप किया जा सके, और जितने भी स्कीम्स हैं उसे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, वाइल एक्सप्लोरिंग द 3C, कन्वर्जेंस, कंपटीशन एंड कोलाबोरेशन। और ये जो 3C है उसका मूल मंत्र दिया गया है कन्वर्जेंस, किस प्रकार के जितने स्कीम्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मशीनरी वगैरह हो गए, पंचायत लेवल के मशीनरी हो गए, पीपल्स हैं, तमाम लोगों को कन्वर्स करके एक साथ मिलाकर जो है टारगेट को अचीव करें। इसके साथ है कंपटीशन के साथ, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ प्रतियोगिता बनाकर अच्छे अच्छे स्कीम्स को किस प्रकार से अच्छे सर्वश्रेष्ठ तरीके से उसे इम्प्लीमेंट करें और उसे अचीव करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जो है कोलाबोरेशन, प्रतियोगिता तो बताया गया, लेकिन साथ साथ एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से सीख कर जो है एक कोलाबोरेट होकर, मतलब सहयोग की भावना अपना कर जो है तमाम जितने भी लक्ष्य हैं उसे हासिल करें, डेवलपमेंट को और अधिक जो है प्रगति की वृद्धि करें, विकास करें। ठीक है जी। तो इन तमाम तरीकों से जो है सिंक्रोनाइज्ड प्लानिंग एंड गवर्नेंस टू अचीव द टारगेट ऑफ द प्रोग्राम। सिंक्रोनाइज्ड प्लानिंग कहने का मतलब है कि प्लान जब हम बनाते हैं, उसके साथ साथ जब हम उसके अच्छी तरीके से गवर्नेंस और करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके सही तरीके से मॉनिटरिंग वगैरह की गई, सही तरीके से इसके लिए स्कीम्स को लॉन्च किया गया, सही तरीके से डाटा कलेक्ट किया गया, सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, इन तमाम तरीकों के जरिए जो हम इस सिंक्रोनाइज्ड प्लानिंग के साथ साथ गवर्नेंस को भी अच्छे तरीके से स्किल्ड और ट्रेनिंग देके किस प्रकार से ऑफिसर्स को जो है मनोबल बढ़ाकर उसे मोटिवेट करके जो है उस टारगेट्स को अचीव करना है। तो प्रोग्राम हैज स्ट्रेंथन द टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज। और इस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए किस प्रकार जिले के जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं उनको बुलाकर उन्हें ट्रेनिंग दिया जाए, और टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक सुधार करने की व्यवस्था है, प्रशासनिक जो कैपेसिटी डेवलप करने की व्यवस्था है, इन तमाम चीज़ों के जरिए जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स पे अधिक फोकस किया गया है और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड किया गया है, टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्किल ट्रेनिंग दिया गया है, जिससे कि जितने भी स्कीम्स वगैरह उसे अच्छे से अच्छे लॉन्च किया जाए। ठीक है जी। इम्प्रूव देयर स्टैंडिंग इन द पास्ट 3 ईयर्स, और उन डिस्ट्रिक्ट्स का जो है इम्प्रूवमेंट बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। इसमें कुछ उदाहरण है, सिमडेगा झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, चांदौली जो है उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, और राजगढ़ मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। इन तमाम डिस्ट्रिक्ट एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक उदाहरण सेट किया है कि किस प्रकार से जो है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है विकास कर सकती है। आ गया सेवरल इनिशिएटिव लिया गया है, जैसे गोल मार्ट एक इनिशिएटिव लिया गया है असम सरकार के द्वारा, गोलपारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, टू प्रमोट रूरल इथनिक एंड एग्रीग्रियन प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट। देखिए,
असम के द्वारा एक लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, एक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, ई कॉमर्स पोर्टल, जिसमें जिसका नाम है असम गोल पारा या गोल मार्ट कहते हैं, जिसमें कि जितने भी ट्राइबल वगैरह जो प्रोडक्ट है, जो आर्टिसंस, जो घरेलू कह सकते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में जो है उनकी जो रूरल इंडिया में आज भी देखोगे तो नए नए टॉयज टूल्स बनाने की जो कैपेसिटी है उनको जो है प्रमोट करने के लिए, और एग्रीग्रियन प्रोडक्ट हैं जैसे बम्बू वगैरह का कुछ प्रोडक्ट हो गया, जो कह सकते हैं आदिवासी इलाके में कुछ प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसको उस पोर्टल के माध्यम से उसे उस डिस्ट्रिक्ट में जो है उसे आर्टिसंस को और इनकम जनरेट हो, फार्मर को और अधिक आय और इनकम मिले और अधिक कमाए, इन तमाम चीज़ों को डेवलप्ड करने के लिए, उसे जो है बढ़ावा देने के लिए गोल मार्ट ई पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से उसे पूरे के पूरे भारत और राष्ट्रीय स्तर पर बेच सके और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी मिल सके, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को उस पोर्टल पे लॉन्च करके उसे बेच सकें, जिससे कि उन्हें अच्छा प्राइस मिल सके, उनका इनकम जो है डेवलप्ड हो सके, इनकम जो है जनरेट हो सके। तो ये कुछ जो है एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें कि एक अच्छे इनिशिएटिव शुरुआत की गई है डिस्ट्रिक्ट के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है जी, गोलपारा ब्लैक राइस, और गोलपारा ब्लैक राइस लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, जिससे कि राइस वगैरह सिर्फ भारत में ही नहीं बिकता बल्कि यह राइस ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और देश विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, जिससे कि फार्मर्स का इनकम अधिक बढ़े। तो इन कुछ इनिशिएटिव है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बनाकर डिस्ट्रिक्ट एक्सपायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर उसे अधिक फोकस करके किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट किया जाए। द रिपोर्ट सेड एडीपी इज अलाइंड टू द प्रिंसिपल ऑफ लीव नो वन बिहाइंड एंड द वाइटल कोर ऑफ द स्ट्रेटजी। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक बहुत ही कह सकते हैं कोर, मुख्य बिंदु और केंद्र बिंदु है कि लीव नो वन बिहाइंड, किसी भी व्यक्ति को पीछा ना छोड़ा जाए। एंड द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था जनवरी 2018 में एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रीच द लिविंग स्टैंडर्ड। यह भारत सरकार का एक पार्ट था जिसमें कि तमाम उस डिस्ट्रिक्ट्स का, चूँकि एक पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि अभी विकास नहीं हुआ है, भारत की आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी वह एकदम पिछड़ा है, वहाँ बिजली नहीं है, एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, हेल्थ की व्यवस्था नहीं है, एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं है, कृषि और पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, उन तमाम डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया गया और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनके रहन सहन की कह सकते हैं कि को बढ़ावा देने के लिए, उनके स्टैंडर्ड्स को और अधिक जो है अच्छा बनाने के लिए जो है यह जो है नीति जो है सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। और जो है इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, उनकी पूर्ति के लिए, और नो वन लीव बिहाइंड, लीव नो वन बिहाइंड मतलब कोई भी पीछा ना छूट जाए। देखिए, रीजनल डिस्पैरिटीज़ तो हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात बहुत इंडस्ट्रियल डेवलप्ड है, बिहार झारखंड उतना नहीं है। झारखंड में हालांकि इंडस्ट्री है, फिर भी एज कम्पेयर टू अदर स्टेट दे आर नॉट वेरी डेवलप्ड स्टेट। ठीक है जी, तो इन तमाम जो है क्रूतियों का या डिफरेंसेस, जो रीजनल डेवलपमेंट डिफरेंसेस हैं, ठीक है जी, उन तमाम को कह सकते हैं कि एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए और सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी राज्य एक ही तरीके से डेवलप्ड हों, विकासशील बने और जो है असमानता है उसे दूर फेंकें, इसके लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है कि जो प्रोग्राम है वह मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। आज के लिए इतना ही। तो यूएनडीपी के द्वारा एक अप्राइजल मतलब प्रशंसनीय जो है पत्र के रूप में, रिपोर्ट्स के रूप में आया था, वो सोचा कि मैं आपको समक्ष इसे साझा करूं। तो ये आज के लिए इतना ही, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। कोई करेंट अफेयर टॉपिक पर अगर आप कोई शॉर्ट एंड स्वीट समरी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले करेंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।